हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी चॉकलेट केक। सिंपल सा केक है, घर पे बने हुए बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। मैंने इसको माइल्ड फ्लेवर ही रखा है क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हम स्ट्रॉन्ग देते भी नहीं हैं और पसंद भी नहीं करते हैं बच्चे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टीस्पून कॉफ़ी ली है, आप चाहें तो एक टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक टेबलस्पून गरम पानी ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। गरम पानी ऐड करने से कॉफ़ी बहुत अच्छे से मिक्स होती है। ये मैंने इंस्टेंट नेस्कैफे इस्तेमाल की है यहाँ पर, और इसको अब हम साइड में रख देते हैं। एक बाउल लिया है मैंने और यहाँ पर मैं एक पाव कप दही ऐड कर रही हूँ। दही नॉर्मल टेम्परेचर का इस्तेमाल करें या फिर आप इसके जगह एक अंडा ले सकते हैं। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। सेंग का तेल या राय का तेल इस्तेमाल न करें, उसमें खुशबू होती है। कोई भी दूसरा अनफ्लेवर्ड ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चीनी ली थी जिसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, तो ये 1/2 कप पिसी हुई चीनी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। तो बस जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो फिर मैंने यहाँ पर अब वेनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। तो वेनीला एसेंस जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी जो बना के रख दी थी वो ऐड कर लिए। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर ले कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, आप इसके जगह पर 1 कप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। ये 125 ग्राम मैदा है। और इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से इसका फ्लेवर और एनहांस होके आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम छान लेते हैं। छानने से 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, लाइट और एयरी हो जाता है, उसमें इसमें अगर कोई गांठ रह गई है तो वो भी निकल जाती है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये अगर थोड़ा सा थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए दूध या पानी ऐड किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून दूध ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, बहुत तेज़ी से भी नहीं करें क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड किया था। ये रेडी है, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक 5 इंच का केक टिन लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है 1 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से पूरा ग्रीस कर लेते हैं। सब तरफ से ऑयल को लगा लें। आप चाहें तो बटर पेपर भी रख सकते हैं नीचे और उसके ऊपर भी ग्रीस कर लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो सब तरफ से इस तरह से फैला लें, और इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा अंदर बच जाएगा वो आपने निकाल लेना है बाहर। ये देखिए ये रेडी हो गया है। केक का बैटर जैसे ही आप रेडी कर लें तो तुरंत ही उसको पोर कर लें, और पहले से ही मैंने वेसल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्रीज पे ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है 10 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा टैप कर ले, इसमें एयर बबल्स है तो वो निकल जाए, और फिर इसको मैं गरम किए हुए पतीले के अंदर रख दूँगी। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर गरम किया है, इसको अंदर रख देते हैं और इसको 25 से 30 मिनट हम बेक कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। ओवन में भी आपने इसको 25 से 30 मिनट बेक कर लेना है 180 डिग्रीज पर। अब यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर एक टॉवल इसलिए रख दिया था ताकि ऊपर से कलर अच्छा आ जाए। तो 35 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए ऊपर से ही अच्छे से ब्राउन हो गया है। बस इसको बाहर निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून दूध लिया है, इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड की है। आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें। 1 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसको हम यूज़ करेंगे केक को मॉइस्ट करने के लिए। तो ये कॉफ़ी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम कॉफ़ी क्रीम बना लेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इंस्टेंट नेस्कैफे इस्तेमाल की है, और इसके अंदर मैं 5 से 6 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा स्वीट ही पसंद है इसलिए मैंने चीनी ज़्यादा ऐड की है। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो। तो इससे ये मीठा होने की वजह से इसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 चम्मच मैंने गर्म पानी ऐड किया है। पानी आपने गर्म ही लेना है, गर्म में पानी और चीनी अच्छे से मिक्स होगा और इसके साथ कॉफ़ी भी बहुत अच्छे से मेल्ट होगी। इसको आपने बीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह इसका बीटर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फोक या फिर चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करना है आपने। और इसको बस इस तरह से बीट कर लें। जैसे जैसे आप बीट करेंगे तो हर मिनट बाद इसका कलर और टेक्स्चर चेंज होता जाएगा, ये देखिए।
और फाइनली 5 से 7 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। केक पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, बस ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको अभी अनमोल्ड कर लिया है। इसका जो बैक सरफेस है ये बहुत अच्छे से फ्लैट है, तो मैंने इसी सरफेस के ऊपर वर्क किया था। जो कॉफ़ी मैंने बना के रख दी थी वो अब हम इसके ऊपर पोर कर लेंगे। इससे केक बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होता है और उसका टेस्ट भी बहुत एनहांस होता है। ये ऐड करने के बाद केक इतना मॉइस्ट होता है कि मुँह में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे इसके लेयर्स नहीं किए हैं केक के, आप चाहें तो बीच में से इसको कट करके उसमें लेयर्स करके भी आप क्रीम लगा सकते हैं और हर लेयर पर आपने ये ऐड कर लेना है। तो यहाँ देखिए ये सारा एब्जॉर्ब हो गया है, तुरंत ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर। और फिर ये जो कॉफ़ी क्रीम बनाई है ये आपने इसके ऊपर ऐड कर लेना है। कॉफ़ी क्रीम आपने केक बनने के बाद जब आप केक ठंडा करने रखेंगे उसी वक्त बनाइएगा, और अगर आपको टाइम लगने वाला है तो थोड़ा देर आप फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। इसको इस तरह से स्प्रेड कर ले ऊपर, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने साइड में भी उसको लगा लिया है हर तरफ से, केक को बस कवर केयर कर लिया है मैंने इस तरह से। अब यहाँ पर मेरे पास हर्शीज़ का सिरप था तो इसलिए मैंने सिरप से इसको डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या डेयरी मिल्क का चॉकलेट या चॉकलेट शेविंग्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सुपर फ्लफी और इतना मॉइस्ट था ये, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। बहुत जल्दी ये केक मैंने बनाया था और बहुत झटपट से ये ख़त्म भी हो गया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं। और हमेशा की तरह अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, आपने कोई रेसिपी ट्राई की है तो आप आपका पिक शेयर कर सकते हैं मेरा फेसबुक ग्रुप में। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।